नंबर 7 पर सात साथ है अख्तर एंड अख्तर। यह सुपर पावर युक्त बाप बेटे की जोड़ी है, काफी तोड़ो यार। पहले शुरू करते हैं डैडी कूल यानी जावेद साहब के साथ। तो भैया डैडी डैडी कूल, जावेद साहब की सबसे बड़ी पावर है उनके वर्ड्स। कॉपीराइट से लेकर मोहल्ले में पानी की किल्लत तक हर सब्जेक्ट पर वो ऐसा धुआंधार भाषण दे सकते हैं कि अच्छे अच्छे लोगों को पानी पिला दे। जावेद साहब जब बोलने पे अमादा होते हैं तो फिर अच्छे अच्छे को पानी पानी कर देते हैं। अब आप सोचेंगे कि यार इतना पानी जावेद साहब के साथ आता कहाँ है। तो भैया जब जब जावेद साहब बोलते हैं तो उनके मुंह से पानी की चरपूंजी सी बन जाती है। और इस जावेद वर्षा में भीगकर अच्छे अच्छे बंदे सराबोर हो जाते हैं। कई साइंटिस्ट का मानना तो ये भी है कि मुंबई के किनारे बसे समंदर के पीछे भी जावेद साहब का ही हाथ है, मतलब मुंह है। किसी जमाने में वो राइटर हुआ करते थे जनाब, और अपनी मूवीज की स्क्रिप्ट नरेट करने प्रोड्यूसरों के यहाँ जाके वो जो पानी बरसाया करते थे अपने मुंह से, ये समंदर असल में उसी का रिजल्ट है। अब भैया ज्ञानी लोग कह गए हैं कि बाप के किए की सजा बच्चे भुगतते हैं। तो जावेद साहब जो इतनी बातें करते हैं उनके पुत्र शिफरान अख्तर साहब का गला परमानेंटली बैठा हुआ है, और जावेद साहब जो इतना पानी बरसाते हैं उनके बेटे फरहान बेचारे की आवाज परमानेंटली ड्राई साउंड करती है। उफ। मगर फरहान ने इसके बावजूद कभी अपने आप को कमजोर नहीं माना। हाँ, और अपने अंदर सिंगिंग की वो सुपर पावर जगा डाली कि का बताई भैया। ब्रावो अख्तर्स, आप राइटर एक्टर डायरेक्टर सिंगर वगैरह वगैरह होने के साथ साथ इन सुपर पावर्स के साथ आ गए हैं हमारी बॉलीवुड एवेंजर्स लिस्ट में एट नंबर 7।